गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गाइज आज के आमरा दार्जिलिंग थेके लेपचा जगतेर दिके जाচ্ছি कारण दार्जिलिंग थेके आमरा मुव करছিলাম आमार जे दादार होटेल सेखाने थेके थेके आमरा मुव करছিলাম किन्तु प्रॉब्लम होच्छे आप डाउने प्रचुर समय चले जाচ্ছিলো आर हाई एटिट्यूडेर जोन्नो श्वास प्रश्वासेर प्रॉब्लम होच्छे प्रचुर ठंडा आमरा होटेल गीतांजलिते छिलाम ए देखुन पिछने होटेल गीतांजलि तो गीतांजलि जे दादा उनी आमार साथे आछेन ओनाके दुटो कथा बोलते बोलबो आपनार नामटा नमस्कार आमार नाम विप्र दास काजी आमी होटेल गीतांजलि मैनेजार उनी होटेल गीतांजलि मैनेजार का मालिक एखाने जेहेतु लीज कन्ट्रैक्टे चले सेइजोन्नो तो ओनार एखाने आपनार एखाने कटा घर आछे आमार एखाने 20खाना घर आछे 20खाना घर आछे एखाने खावा दावा घरोया खावा दावा खूब सुंदर खावा दावा एखाने दुबेला एरा जत्न सहकारे खावा दावा कराय এবং আমরা বিগত ৫-৬ বছর ধরে দার্জিলিংয়ে আসছি ওনার ভালোবাসার জন্য এত দূর থেকে ঠেঙ্গিয়ে এখানে এসে থাকা তো যাই হোক দাদার মোটামুটি কজন অ্যাকোমোডেশন কটা 30 কটা রুম বললে 20খানা রুম টোটাল দুখানা গীতাঞ্জলি আর এটা বৈশালী ও দুটোই একে অপরের অ্যাড্রেসটা কি 16 রকভিল রোড 16 রকভিল হোটেল গীতাঞ্জলি মানে এটা হচ্ছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পিছন দিয়ে যে রাস্তা নিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হ্যাঁ নিয়ার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ওই রাস্তা দিয়ে উঠে এসে হোটেল গীতাঞ্জলি विप्र दास कांजी आपका टेलीफोन नंबर बोलो 9733306375 तो नंबर तो पे गल अपना जो भविष्य कखो लागे अवश्य जोगाजोग करबें आज के ये जार्नी शुरू करछि ओके थैंक यू बाय बाय जय माँ तारा हम लोग अपना जार्नी चालू कर रहे हैं यही रॉकविल रोड है ये टेलीफोन एक्सचेंज दाहिने तरफ में जो है ये टेलीफोन एक्सचेंज है इसी के पीछे से है बहुत स्लैंडिंग रोड है यहाँ पे बहुत अपस्टेयर है गाड़ी को बहुत सावधानी से नीचे जाना ले जाना पड़ता है जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो एक्चुअली गाड़ी का सर्विसिंग हुआ था उसके बाद गाड़ी नहीं चला था उसमें एक चेन लूप का इशू आ रहा था तो हमने उसको चेन लूप कराया इंजीनियर के साथ बात करके टाइगर का जो है चेन इसमें लूप कराया कराने के बाद अभी जो है सर्विस एकदम गुड है कोई दिक्कत नहीं है इसमें स्कूल कोएजुकेशन है यहाँ पर मेरा बच्चा पहले पढ़ता था अभी ये कंप्लीट कर चुका है यहाँ से ये रोड साइड से कांचनजंगा का व्यू है। आज पूरा दार्जिलिंग के थोड़ा सा हम लोग आधा किलोमीटर बाहर आए हैं तो यहाँ हम लोग अभी घूम स्टेशन से दाहिने तरफ में घूम गए लाइट बी सीधा जाए से आपका सिलीगुड़ी काशियांग ये सब पड़ता है जस्ट घूम स्टेशन से जो क्रॉसिंग है उसमें से वी टाइप से लेना है मतलब एक टाइप से आया और दूसरे साइड में गया ऐसे वी करके लेना है ये मिरिकवाड़ा रोड में पड़ता है तो मिरिकवाड़ा रोड में अभी हम लोग जस्ट वो जहाँ से चालू होना है वही चालू से किए हुए हैं Just we have arrived Lepchajagat Chulakha homestay. Going to park these. Kanchan Konna. इतना सारा होम स्टे है यहाँ पे। गाइस फाइनली हम लोग अपना होटल हम लोग को मिल गया है। सो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे आके हमने होटल के लिए जो है एंट्री कर रहे हैं। बात हो गया है, 1200 रुपये मांगा हुआ था, तो फाइनली हैज बी सेटल्ड अप टू 1000 विद लंच एंड डिनर एंड ऑल दैट। तो ये आपका व्यू होटल का बाहर का व्यू है। हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग रूम दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे है, व्यू ठीक है, इनके छत से व्यू बहुत बढ़िया आता है। हमने पहले 3-4 होटल से ये रूम है, एक डबल बेडेड है, खिड़की से मोटा मोटा व्यू दिखता है, ऐसा कुछ नहीं दिखता है, व्यू दिखता है। ये इज वन टेबल, प्लास्टिक टेबल, ये आपको बिस्तर इज I can say with mirror like this table, and this is a bathroom with geyser. Bathroom में all right है, hand cleaner भी दिया है, sanitizer है, light boy का दिया हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, good one, light भी sufficient है, room is so open, so इसमें हाइजीनिक भी है इसे। ठीक है, आगे मिलते हैं आपसे, व्यू दिखाते हैं आपको। गाइस फाइनली हम लोग उस होटल के, जिस होटल में हमको दिखाया, उसी होटल के छत के ऊपर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी फॉगी है। एक्चुअली हम लोग अभी लेप्चाजगत में आए हुए हैं, जो दार्जिलिंग का होटल का मालिक है वो हम लोग को छोड़ नहीं रहा था, तो बार बार हम लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन है, इसलिए ही टेलिंग कि आप यहाँ पर रह जाओ, आप यहाँ पर रह जाओ, यहाँ से कहीं जाओ, तो यहाँ से कहीं जाओ में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि अप डाउन में हुआ टेकिंग 5 to 6 आवर्स लग रहा था हम लोग अप डाउन में। तो एक्चुअली स्पॉट पे जाने में हम लोगों को 1 से 1.5 बज रहा था, और वहाँ से फिर 3 बजे निकल के होटल में 6 बजे जाना पड़ रहा था। तो दैट इज़ वाई हमने डिसीजन लिया दोनों मिलकर कि हम लोग जहाँ से स्पॉट होगा वहीं पर हम लोग अपना प्रोग्राम चेंज करेंगे। सो टूडेज प्रोग्राम इज ऑन लेप्चाजगत। तो हम लोग इसमें क्या होगा कि हम इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे ये आपका वो होम स्टे जो है, होम स्टे भी आप लोगों को दिखाएंगे, और होम स्टे का नंबर भी आप लोगों को वहीं पे फॉरवर्ड कर देंगे, वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग आते हैं तो आए, बुकिंग करके आए, नहीं भी आएंगे तब भी चलेगा। बट आई थिंक अभी थोड़ा सा जो है धूप नहीं निकला था, तो सो थोड़ा सा बहुत फॉगी है, अभी थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा अच्छा डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट से हम लोग आपको ये दिखा सकते हैं कि सुबह 5:30-6 बजे तक हम लोग उसको आपको दिखा सकते हैं कैसे क्या होगा। ঠিক আছে, এখনো কুয়াশা চলছে, এই যে রোদটা আবার কমে যাচ্ছে, রোদটা ছিল এতক্ষণ আবার কমে যাচ্ছে। মানে পাহাড়ের ব্যাপারটাই হচ্ছে এরকম, কখনো কুয়াশা, কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি, কখনো রোদ, কখনো এইরকম ভাবেই চলতে থাকে। তবে একটা কথা বলবো, যে তাও বলবো যে প্রকৃতি হয়তো আমাদের ওপর সদয় হয়েছে, যে এখনো অবধি আমরা বৃষ্টিটা পাইনি, কারণ আমরা যখন এসেছি তার আগে অবধি 4-5 দিন আগেও নাকি খুব বৃষ্টি হয়েছে। তো আমরা এই 3 দিন ধরে রয়েছি, 3 দিনে এখনো বৃষ্টি পাইনি, মোটামুটি একটা ভালো ওয়েদারই পেয়েছি, যার জন্য ভিউটা কিছুটা হলেও আমরা দেখতে পেয়েছি। তবে আজকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি 2 দিনের মধ্যে, 3 দিনের মধ্যে আজকেই ফার্স্ট দেখলাম। তো দেখা যাক, সঙ্গে থাকুন। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक देना, अगर इसको और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर दिए, उसको बेल आइकॉन ऑल दबा दो। तो उसका क्या होगा कि हम लोग जो टूर पे जाते हैं या जाएंगे आगे, उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि दादा आपका वीडियो आपको रोकता हमको पता नहीं चलता, तो एक्चुअली उस पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया गया। वो सब्सक्राइब करने से नहीं हुआ, सब्सक्राइब के बाद भी उसको नोटिफिकेशन का घंटी जो है ऑल को दबा देना। तो व्हाट विल डू हैपन, जब हम लोग अपडेट करेंगे तो यू विल गेट दैट अपडेट इंस्टेंटली, आप लोगों को संग संग वो वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। तो ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स में बने रहिए और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हम लोगों को देते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। आज के लिए यहाँ यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबा हो जा रहा है ब्लॉग। तो नया ब्लॉग के लिए फिर वेट कीजिए, फिर उसको